जी हाँ, मजदूरों की फंसी मजदूरी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुकेश महला। भले ही मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों के उत्थान की बात कर रही है, लेकिन पन्ना जिले में वन विभाग द्वारा एक महीने से बंधुआ बनाकर मजदूरी कराने और भुगतान ना देने का मामला सामने आया है। ऐसे में मजदूर अपने गृहस्थी के सामान समेत शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई, जहां उनकी सुनने वाला उन्हें कोई नजर नहीं आया। सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही, दुधमुहे बच्चों के साथ परेशान हो रहे हैं मजदूर, विभागीय अधिकारियों ने नहीं दी मजदूरी, भूख से जूझ रही लाचार महिलाएं, बड़े अधिकारियों से की गई शिकायत, नहीं किया गया मजदूरों को नगद भुगतान। जहां एक तरफ कल पूरा विश्व महिलाओं के सम्मान के लिए महिला दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पन्ना में महिलाओं का महिला दिवस के दिन वन विभाग द्वारा शोषण करने का मामला सामने आया। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ यह महिला मजदूर उमरिया जिले की रहने वाली है, जो अपने पूरे परिवार के साथ पन्ना कलेक्ट्रेट अपनी मजदूरी मांगने आई है, जहां पर उन्हें बताया कि दक्षिण मंडल के कलदा रेंज में इन्हें मजदूरी के लिए निर्धारित रेट पर तय किया गया था। करीब एक महीना उनसे मजदूरी कराई गई, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे आज वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए और मजदूरी दिलाने की गुहार संबंधित विभाग से लगाई। भाई ये बताइए, कहाँ की रहने वाले हैं आप लोग और कहाँ काम करती थी और किस प्रकार से आपका शोषण किया गया है? सर, हम उमरिया जिला के रहने वाले हैं, कलदा रेंज में काम किए हैं। एक माह काम किए, हमको कुछ पैसा नहीं दिया गया। बाल बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, और वहाँ से जाने नहीं देते थे कि नहीं जाना है कहीं। तो कैसे आप लोग यहाँ तक आए? हम यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने की हमको जौन इंतजाम करना है कि हमारा जौन है तो दबा दे। काम किस प्रकार से कराते थे? काम फॉरेस्ट के काम, गड्ढों की। अच्छा। रखते कैसे थे, कहाँ रहते थे, किस हालात में रह रही थी? जंगल में बंधक बना के रखे थे हमको। अच्छा, तो अगर अगर आप लोगों ने कहा होगा कि पैसे दे दो तो क्या बोले फिर? हम बोले कि पैसे दो सर, तो गाली गलौज दिए और वहाँ से मारने के लिए धमकी दिए, तो हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब दिया। क्या नाम है आपका? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों को काम दिलाने के लिए बातें तो बहुत करती है और चुनावी वर्ष में चुनावी घोषणा पत्र में सभी राजनीतिक दल गरीब मजदूरों का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन प्रदेश में किस प्रकार गरीब मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, इसकी खबर ना तो किसी राजनीतिक दल को है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को। भाई साहब, आज विश्व महिला दिवस है, पूरा देश और पूरा विश्व विश्व महिला दिवस मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पन्ना में महिलाओं के साथ शोषण का मामला सामने आया है। किस प्रकार से आपके संज्ञान में आया है और क्या है मामला और कैसे कितनी गंभीरता से आप इसको देखते हैं? आज हम सारे लोग मजदूरों के साथ, मजदूर महिलाओं के साथ प्रफुल्लित होकर महिला दिवस मना रहे थे, लेकिन कुछ मीडिया के साथियों ने जहां हमें बताया कि हमारी महिला मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उनका जो मजदूरी मिलना था वो नहीं मिला, तो हम सारे लोग यहाँ पर आए। और ये बड़ा गंभीर मामला है, ये जिले का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है, ये पूरे देश का मामला है, क्योंकि महिला मजदूरों का मामला है और मजदूरों का मामला है। सीधी सी बात यह है, सरकार बदलने के बाद भी धरना नहीं बदला तो मजदूर संगठन अब शांत नहीं बैठेगा। तो ये जो महिला मजदूरों के साथ शोषण किया गया है, ये कौन से विभाग के द्वारा किया गया है और कितना इनका पेमेंट बचा है, आपके संज्ञान में कितना आया है? पहले भी वन विभाग द्वारा, टाइगर रिजर्व द्वारा मजदूरों का शोषण किया गया, जिसके लिए मजदूर संगठनों ने, संस्थाओं ने संघर्ष किया। ये दूसरा मामला आया है। आज मैं प्रशासन से बात किया हूँ, हम सारी संस्थाओं के लोग प्रशासन से बात किए हैं कि इसको अगर कल नहीं निपटता है ये मामला, तो ये मामला साधारण नहीं है, इसके लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे। देर रात हो चुकी है, करीब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या व्यवस्था की जाएगी? प्रशासन ने हमको विश्वास दिलाया है कि 10 से 15 मिनट के अंदर इन लोगों की हम रुकने की व्यवस्था कराएंगे और इनके खाने की, भोजन की व्यवस्था कराएंगे, और कल निश्चित रूप से, उनका कहना है
लेकिन हमारी नजर पूरी बनी हुई है और हम इनके साथ में हैं, इन मजदूरों के, इनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। क्या नाम? ना राजनीति होने देंगे। क्या नाम है और कौन से? मेरा यूसुफ बेग नाम है और मैं पत्थरखदान श्रमिक मजदूर समिति का अध्यक्ष हूँ जिले का। थैंक यू। बता दें कि दक्षिण वन मंडल में कलदा वीट वन रेंज में गरीब मजदूरों को उमरिया जिले से वन रेंज में गड्ढा खोदने के काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन काम करवाने के बाद इनका भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से परेशान होकर इन गरीब मजदूरों ने पूरे परिवार के साथ पन्ना कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। भाई साहब, ये बताइए कहाँ से आए हो, कहाँ पर काम करते थे, किस प्रकार की आपके साथ घटना घटी है और कैसे आप लोगों को शोषण किया गया है? सर, हम क्या उमरिया जिले के रहने वाले हैं, ग्राम धनवाही, थाना इंदवार, तहसील मानपुर के हम लोग मजदूर हैं। सर, शुक्ला जी हमको बुलाए, वन रक्षक हैं शुक्ला जी, काम करने के लिए बोले हैं आ जाओ काम कर लो, क्या 45x45 का 10 रुपये गड्ढा मिलेगा। इसके बाद प्रलोभन दे के सर हम लोगों को ना पैसा मिल रहा है और ना हम खाना पीना मिल रहा है और ना बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को बंदी बना के रखा है सर। कितने दिनों से लोग बंधक बनाए हुए आप? हम लोग बंधक बनाए 1 माह हो गया सर बनाए, ना हम कहीं जा पाते हैं, ना किराया मिला, ना कहीं जा पाए, लगे रहे उसी काम में सर। अच्छा, कितना पेमेंट मांगी है आप लोगों को? हमारा मतलब 4-5 लाख रुपए तक है सर। अच्छा, नहीं एक भी पैसा नहीं दिया? एक भी पैसा नहीं मिला सर। और कंटिन्यू काम कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग? कंटिन्यू का हमने 1 माह किया है सर। अच्छा, पैसे मांगते तो क्या बोला जाता है? पैसे मांगते तो हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है और क्या कि गाली गलौज करके शुक्ला जी के मतलब हम लोगों के साथ करते हैं, बोले तुम लोग भाग जाओ, आज से जब होगा तब मिल जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं सुशील कुमार लोनी है सर। आज कहाँ आए हैं? कलेक्टर साहब के यहाँ आए सर। भूख से जूझ रही इन लाचार महिलाओं के ये हालात हैं कि अपने बच्चों की भूख तो शांत कर रही हैं, लेकिन खुद कई दिनों से भूखी हैं और बस कलेक्टर से आस लगाए बैठी हैं कि उनकी मजदूरी उन्हें जल्द ही मिले ताकि उनका गुजर बसर ठीक से हो सके। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित कर रही थी, वहीं पन्ना में महिला और पुरुष मजदूर सरकार के सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से अपने बच्चों के साथ अपने किए काम की मजदूरी के लिए भूखे पेट रहकर मेहनत की कमाई पाने के लिए डेरा डालकर गुहार लगा रहे थे। वहीं सरकारी नुमाइंदे भुगतान प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने की बात कर रहे थे। विश्व महिला दिवस पर महिला मजदूरों के साथ शोषण का मामला सामने आया, क्या मानते हैं और किस प्रकार से श्रम विभाग द्वारा इनको न्याय दिलाने की पहल की जा रही है? जैसे ही संज्ञान में आया वैसे ही इंस्पेक्टर को भेजकर सभी जितने भी वर्कर्स हैं सबके बयान लिए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई निश्चित है और इनका जो पेमेंट है वो फॉरेस्ट का, तो उसके संबंध में SDO से चर्चा की जा रही है, संभवतः कल तक सबको पेमेंट हो जाएगा। आज विश्व महिला दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ महिला मजदूर भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना गंभीर विषय मानते हैं? नहीं, ये तो जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है उनसे चर्चा करके इसका निराकरण किया जाएगा। इनका कितना पेमेंट है और क्या श्रम विभाग द्वारा इनको दिलाने की पहल की जाएगी? जो भी नियमानुसार शासन के जो रेट होंगे उस हिसाब से दिलाए जाने के प्रयास किए जाए। आपके विभाग के क्या रेट हैं? लगभग अभी 837 रुपये पर मंथ जो इनका रेट है उसके हिसाब से, जो मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से दिलाए जाने का प्रयास किया। देर रात हो चुकी है, इन मजदूरों की व्यवस्था क्या की गई है? व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है, इनको रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है सर? कौन से पत्र? आपका क्या नाम है? कौन से पत्र? मैं लेबर ऑफिसर वन विभाग के विरुद्ध किन परिस्थितियों में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा श्रम विभाग के द्वारा? नहीं, यदि ये पेमेंट नहीं होगा तो इनके विरुद्ध जो है मिनिमम वेजेस के अंतर्गत पेमेंट में इनके विरुद्ध प्रोसिक्यूट किया जाएगा। क्या ये बंधुआ श्रमिक अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बंधुआ श्रमिक का तो उल्लंघन नहीं है क्योंकि वर्कर बंधुआ नहीं है, तो पेमेंट का मामला है तो पेमेंट दिलवाया जाए। 7 कार्य दिवस पे भुगतान न होना या भुगतान का विलम्ब करना शायद बंधुआ श्रम के अंतर्गत आता है? आता है, पर वो बंधुआ की श्रेणी में नहीं आता है। एक तरफ पूरा विश्व कल विश्व महिला दिवस मना रहा था, लेकिन पन्ना में दक्षिण वन मंडल से प्रताड़ित कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाने पहुंची।
मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं तो चला रही है, लेकिन गरीब तबके के लोगों के लिए ये योजनाएं किस प्रकार कारगर हैं, इसका जीता जाता उदाहरण यहां देखने को मिला है। कुछ महिलाओं का शोषण का मामला सामने आया है, आपने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है और आपने भी इनकी सहयोग के लिए आगे आए हैं, क्या आपके द्वारा सहयोग किया जा रहा है, कितना गंभीर विषय मानते हैं इसको? देखिए, विश्व महिला दिवस निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन तय किया गया है और आज से ठीक 3 महीने पहले 10 दिसंबर के दिन भी एक ऐसा प्रकरण सामने आया था जब पन्ना क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के अंदर खजरीकुराड़ फॉरेस्ट क्षेत्र में लगभग 60 मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ था। उस समय भी हमारी मांग थी कि केवल भुगतान करा देना हल नहीं है, जिन्होंने यह गलती की है उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही या दंडात्मक कार्यवाही भी होनी चाहिए। पर उस समय की लापरवाही का परिणाम हम आज देख रहे हैं कि दिसंबर के बाद आज हम मार्च में खड़े हैं और पुनः एक मामला निकल कर आया जहां फिर से 30 से 40 मजदूरों से काम कराया गया और भुगतान मांगने पर उन्हें बाहर भेज दिया गया। इस रात में अपने मासूम बच्चों के साथ ये महिलाएं यहां बैठी हैं, इन्हें इनके सामान्य नागरिक अधिकार नहीं मिल रहे, फिर हमें महिला के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए उन्हें प्रशासन कैसे सुरक्षित करेगा? ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का विषय है। यदि नहीं होता तो यह पन्ना के लिए कलंक का विषय है और इस राज्य की नई सरकार के लिए कलंक का विषय है। उनकी सरकार आने के बाद भी प्रशासनिक ढर्रे नहीं बदल रहे। हम इनके साथ हैं, यहाँ के कुछ अच्छे समाजसेवी हमारे साथ हैं, प्रशासन ने आशा दिलाई है कि रात्रि में इन्हें सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा। हमारे एक समाजसेवी साथी ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था की है, आशा है कि सुबह इनका भुगतान करा दिया जाएगा। प्रशासन ने बैंक खाते में भुगतान का बात किया है पर इन श्रमिकों से अब तक इनके कोई बैंक खाते लिए ही नहीं गए हैं, उस पर भी हम सुबह बात करेंगे संबंधित अधिकारियों से, चूंकि अब शाम काफी हो चुकी है, अधिकारी नहीं आए हैं। पर अगर आधे घंटे में नहीं आते तो हम स्वयं, जो हमारे साथी हैं पत्रकार साथी हैं जिन्होंने हमें सूचना दी, हम सब लोग मिलकर इनके रुकने और भोजन की पूरी व्यवस्था आज रात में करेंगे। सुबह प्रशासन से बात की जाएगी। चिंता इसलिए भी है क्योंकि कल अवकाश वाला दिवस है, कल द्वितीय शनिवार का अवकाश होगा प्रशासन का, इसलिए हमने अभी से प्रशासन से बात करना चालू कर दिया। बहरहाल, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर कई सवाल प्रदेश सरकार और सरकारी अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं। सरकारी अधिकारियों ने क्यों नहीं किया मजदूरों की मजदूरी का भुगतान? यहां इनके रात गुजारने की व्यवस्था आखिर कौन करेगा? इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? क्या राजनीतिक दल या फिर प्रशासनिक अधिकारी लेंगे इसकी जिम्मेदारी? बता दें कि इसकी जिम्मेदारी ना तो कोई राजनीतिक दल उठा रहा है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन मजदूरों को कब इनकी मजदूरी मिलती है, मजदूरी मिलेगी भी या नहीं, या यूं ही इन्हें अपनी मजदूरी पाने के लिए अपने परिवार के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के इस तरह से चक्कर काटने पड़ेंगे। पन्ना से नंदू राजा, CMN। तो देखा आपने कि अपने किए हुए काम के लिए मजदूर किस तरह से मजदूरी पाने के लिए सरकारी अधिकारियों के यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और सरकारी अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही उन्हें जो भी संबंधित तय राशि है वो दी जाएगी, लेकिन इस बीच में समय कितना लगेगा ये कोई नहीं बता पा रहा है और इसी मजबूरी में मजदूरों का ये परिवार सड़क पर आकर के अपना जीवन बिता रहा है और हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अपने किए हुए काम के भुगतान के लिए इन्हें सड़क पर भी उतरना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद संबंधित अधिकारी, प्रशासन या राजनेता जिनकी भी नज़र यहाँ पर पड़े वो ज़रूरत रहते कुछ कदम उठाएं ताकि इन लोगों को कम से कम इनकी मेहनत का पैसा तो मिल ही सके और ये अपनी ज़िंदगी को कुछ आसान बना सकें। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए CMN न्यूज़। नमस्कार।